हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम दो कोड के बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं। दोनों कोड हेलो वर्ल्ड का ही है, लेकिन दोनों को हमने जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर पे बनाया है। एक हमने बनाया है सबलाइम टेक्स पर और दूसरा हमने बनाया है नेटबीन्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको इनको चलाकर बता देता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर ये कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे टाइटल में रोबोज लैब लिखा हुआ है जो वेबसाइट के ऊपर आता है। और ये एक मैंने HTML का सिंपल टैग लिया है, जहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड बाय HTML। तो मैं इसको एक बार जो है चलाकर बताता हूँ। ये कोड सेव है और ये जहाँ पर जिस जगह पर सेव है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर सेव है। तो मैं इस पर डायरेक्टली इस index.html पर डायरेक्टली डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो कोड वहां पे लिखा था ये रन हो गया है यहाँ पर, और लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड बाय रोबो बाय बाय HTML। और ये यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की साइड में जहाँ पर रोबोस लैब लिखा हुआ है, तो ये कहाँ लिखा हुआ था कोड में, यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड था हेलो वर्ल्ड का जो हमने सबलाइम टेक्स्ट में बनाया है। अब हम ऐसे ही कोड जो है वो नेटबीन्स में देखेंगे। तो जो है पहले मैं आपको कोड बता देता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि ये नेटबीन्स का इंटरफेस है, नेटबीन का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टाइटल में हमने लिखा हुआ है रोबोज लैब, जैसा वहाँ लिखा था सिमिलर। और यहाँ पर एक कोड ऐसे ही लिख दिया था हमने, हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं या रहने देते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड बाय नेटबीन्स। ठीक है, तो इस कोड को भी एक बार हम रन करते हैं। मैं सेव कर देता हूँ, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हैं। एक बार यहाँ से रन कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से रन कर दिया, आप देखेंगे कि यहाँ रन हो रहा है। और क्या होगा कि ये जो फायरफॉक्स पे ओपन हुआ है ये कोड हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइटल में लिखा हुआ रहता है वो यहाँ पे आता है। ये लिखा हुआ यहाँ पर रोबोज लैब, और ये जो सेकेंड लाइन में लिखा था रोबोज लैब वेबसाइट, और ये हम जो है मेन शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड बाय नेटबीन्स, तो ये नेटबीन्स में बनाया था हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार और हेलो वर्ल्ड बाय नेटबीन्स। तो ये नेटबीन का यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ नेटबीन, इसके अंदर हमने जो है वो ये वर्जन है 8.0.1, और सबलाइन टेक्स्ट जो है वो है इसका वर्जन शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये भी अभी अपडेटेड ही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने दो सॉफ्टवेयर के अंदर कोड देखे, ठीक है, और दोनों हेलो वर्ल्ड के कोड थे। एक कोड बना हुआ था हमारा सबलाइम टेक्स्ट के अंदर और दूसरा बना था हमारा नेटबीन्स में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि ये कोड क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है सबलाइम टेक्स्ट के अंदर PHP और MySQL का यूज करके डेटाबेस के अंदर कैसे कोड करेंगे ये हम देखेंगे, और साथ में नेटबीन्स के अंदर हमने जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखा है, अब हम इसके अंदर और कोडिंग को ऐड करेंगे, कुछ फॉर्म बनाएंगे, जैसे जनरली यूजर कॉन्टेक्ट फॉर्म होते हैं वैसा बनाएंगे, और फिर डेटाबेस के अंदर उसका कोड कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो दो जस्ट सिंपल कंपैरिजन हमने यहाँ पर देखे, पहले के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा नेटबीन्स से, दूसरे के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा सबलाइम टेक्स्ट से। ये कंपैरिजन हमने इसलिए देखा क्योंकि जनरली बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ती है कि जावा का कोड हमको कैसे जो है इंटीग्रेट करना है वेबसाइट के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होती है, तो वो भी हम आगे देख पाएंगे। ये जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।